सेब ओरिजिनल मिले जो बात बने उस मूर्ति वाली सेब ते पेट नहीं भरे। कहने का भाव ये है कि मीराबाई ने कहा प्रभु मुझे उपदेश दे दो। अब वो ठाकरों की लड़की कबीर जी जुलाहा, रविदास जी चमार, अब संत कच्चा काम नहीं करते हैं। परमेश्वर ने सोचा कि इसकी परीक्षा भी ले लें या कदे कल, क्योंकि कल को नाम लेने के बाद इसको लोग टोंट कसेंगे और या नाम त्याग देगी तो इसकी दुर्गति दूनी हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी का उपदेश लेने के बाद अपने गुरु जी के प्रति तो सारा संसार कुछ भी कहता रहे उसके विषय में सुना नहीं करते। यानी नकली गुरु की तो और बात है, लेकिन और सही गुरु के जो वास्तविक में परम संत होते हैं उनके विषय में उपदेशी ने उपदेश लेने के बाद मन में दोष नहीं आने देना चाहिए, ना तो भक्ति समाप्त हो जाती है, नाम कट जाता है। इस उद्देश्य से परमात्मा ने सोचा इसे ना पक्का करके नाम देंगे ना इसे नाम नहीं देंगे। परमेश्वर ने कहा कि रविदास जी से बता दिया था कि वो लड़की आवेगी, नाम लेने आवेगी कल, और आपके पास भेजूंगा मैं। उनका मालिक ने बना लिया था प्रोग्राम और आप उनको उपदेश देना और पहले अपनी सतीथि बताना कि मैं चमार हूँ बेटी, और फिर देखना वो के कहेगी। मीराबाई आई, नाम के लिए कति दृढ़ प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा बहन जाओ बेटी उस सामने बैठा उससे रविदास जी से नाम ले लो। अब उठ कर चली गई। रविदास जी ने कहा कि बेटी बहन बात सुन ले, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, चरम पर थी, और चमार जाति को तो और ज़्यादा ही छुआछात में गणा गणा करते हैं। और कहा बेटी देख ले फिर दुनिया तुझे जीने नहीं देगी बेटी। अब वो लड़की कहने लगी कि हे महात्मा जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, बाढ़ में जाओ यू संसार है, मुझे नाम दे दो। अब रविदास जी ने उपदेश दे दिया। अब वो सत्संग दिन में भी करें और कभी कभी आने लग गए हफ्ते 10 दिन में, फिर वो रात में भी करें परमात्मा। अब वो गुरुजी रात में सत्संग करें, मीराबाई रात को जान लगी, पहले तो दिन में मंदिर में जाती थी फिर रात को भी जाना शुरू कर दिया। अब उसके देवर ने सोचा कि पहले तो भाई था वो अच्छी आत्मा का था, उसने मीराबाई की दृढ़ता को देखकर, निश्चय को देखकर कह दिया था कि कोई बात नहीं आप मंदिर में जाते रहो, और साथ में दो नौकरानी भेज देता था। अब पति की मृत्यु होगी, देवर ने सोचा दुनिया थूकेगी, पता नहीं के के बात बनावेगी, अन्यों कहेंगे इसका पति रहा को नहीं, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, और जनता पता नहीं के के बात इसके जिम्मे लाओगी, हमारी बेइज्जती होगी। उसने पहले मीराबाई से कहा कि मीराबाई तू अब कहीं नहीं जाएगी, सत्संग में नहीं जाया करेगी। मीराबाई ने कहा जी मैं नहीं रह सकती, मैं तो अवश्य जाऊँगी। अब उसने सोचा इज्जत का नाश करेगी, उसको मारने की चेष्टा की, एक बार तो विष दिया, जबरदस्ती तलवार लेके खड़ा हो गया मीराबाई को, बहुत भयंकर विष के पी इसने, नौका ने मुँह ला के गट गट पी गई और कोई असर नहीं हुआ। कहते मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया ठंडा ही यारे, कहाँ तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी शरीर में, कहते हो गया अमृत सा गया उस परमात्मा की कृपा से उस बहन उस भगतनी के लिए। एक दो और ट्राई करी उसने, एक सर्प भेज दिया आभूषण के पैकेट में और बांदी को दे दिया कि मीराबाई को कह दे इसको गले में डाल लेगी। उसको पता था सर्प देने वाले ने कह दिया था सपेरे ने, एक बार ढक्कन खोलते माथे में नंक मारेगा। अब जो ही उसने मीराबाई को ये आभूषणों का डिब्बा पहुंचाया पैकेट, और मीराबाई को कह दिया गया था बांदी के माध्यम से कि इसको गले में डाल लेगी, ना मेरी बेइज्जती ना करवाइए, मेरे छोरे का जन्मदिन है आज, वो राणा कहने लगा, और रिश्तेदार नाती आओगे और यूँ कहेंगे
कि अपनी भाभी को यू ठीक ढंग से नहीं रखता, इस हार ने पैर लेगी, था उसमें सांप। अब मीरा बाई ने खोला उस बंदी के सामने, यादें सुनते उसने सोचा ले पहन लेती हूँ, मेरे लिए तो मिट्टी है यू, ना वो दुखी करेगा खाम खा भी, मतलब टेंशन पैदा करेगा। उसने खोला तो हार पाया, सांप नहीं था हार था, एकदम गले में डाल लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो पहुंचा राणा के, मर्गी होगी शोर मचा दूंगा क्यों हो गया, सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, रिश्तेदार आ ही रहे हैं और बात खत्म हो जाएगी। अब उसके देवर ने जाकर देखा, वो इतना सुंदर हार पहने बैठी। अब कहता ये हार कहाँ से लाई तू बदचलन। अब वो कहने लगी जी आप मुझे जीने नहीं दो, आपने भेजा था ये, अभी तो आपने भेजा है। वो बंदी बुलाई, नौकरानी बुलाई कि ये इसमें क्या था, अकजी यही था, मेरे सामने खोला इसे, अपने सामने बंद करवा कर बंदी को दिया, बंदी पता नहीं था इसमें क्या है, उस नौकरानी को। उसने सोचा भाई कमाल हो गया, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के फिर भी ये यकीन नहीं हुआ, क्यों देवी ने सतावे तो इज्जत के ठेकेदार ने। फिर न सोची तो यूं तो नाम रहा। अगले दिन उसने स्वयं न सोची अकम रात ने इसने काट दूंगा तलवार से, तलवार लेकर चल पड़ा और कुआड़ा को मारी लात, दोनों कुआड़ियों खुल गए एकदम, सामने इतना मोटा सर्प और इतना ऊंचा, एकदम उठकर उसके माथे की तरफ डंक मारना चाहा, वो तो उल्टा कुला कर गया ना कोई दूर तक, जब जान बची। अब उसने सोची भाई या तो कौन मरे और इज्जत का नाश हो गया। तब उसने उसकी माँ को बुला लिया, उसको कहा कि मौसी तू समझा दे, इसने हमारा नाश कर दिया इज्जत का, या मानती नहीं। अब वो लड़की जो है वो बहन सत्संग में जाया करती थी, वो ये कथा उसको सुना रही है, उस विधवा बेटी को, बहन को जिसका बेटा तंग करता था। अब क्या बताती है माँ और बेटी की क्या वार्ता होती है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वाप रहते हैं काले सांप, कोए कोए सर्प तन डस लेवे, आए वाप रहते हैं काले सांप, कोए कोए सर्प तन डस लेवे, जब गुरुदेव की मेरे होए री, जब सतगुरु जी की मेरे होए री, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संसार,
सतसंग में जाना मेरा ना छूटे, थारे सतसंग के राय में हे, थारे सतसंग के राय में हे, हाय वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा ले वे, हाय वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा ले वे, जब सतगुरु जी की मेर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेर होवेरी, हरी वे तो शेरा के गिदड़ बने जावे, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, हरी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सतसंग के बीच में, थारे सतसंग के बीच में, आए वहाँ रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ बाप हैं री, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सतसंग में जाना मेरा ना छूटे, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सतसंग में जाना मेरा ना छूटे, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सतसंग में जाना मेरा ना छूटे, सतसंग में जाना मेरा छोड़ दे, सतसंग में जाना मेरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सतसंग में जाना मेरा छोड़ दे, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, वो तो जाति चमार है हे, वो तो जाते चमार है हे, इसमें हमारी आर है हे, इसमें हमारी आर है हे, तेरे लिख मता चमार है री, वो तेरे लिख मता चमार है री, मेरा सिर जन आर है री, मेरा सिर जन आर है री, हरी व तो मीरा के गुरु रवि दास, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, हरी व तो मीरा के गुरु रवि दास, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, हरी चाहे जड़ के मरो संसार, सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी, अपने आत्मा परमात्मा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। यदि मीरा बाई उस समय उस खानदान के चक्कर में पड़ी रहती, इस संसारिक झूठी लोक लाज में आकर भक्ति ना करती, आज कौन मीराबाई को याद करता, आज उस बहन बेटी का जुबान पर नाम है सबसे पहले,
और जो इज्जत वाली बनी फिरें थी ठेकेदार।